आईटी शेयरों में उछाल, सेंसेक्स पहली बार 66,000 से ऊपर बंद हुआ। शेयर बाजार ने शुक्रवार को नया लाइफ टाइम हाई बनाया। आईटी शेयरों में भारी खरीदारी और विदेशी निवेश बढ़ने से पहली बार सेंसेक्स 66,000 और निफ्टी 19,550 के ऊपर निकल गए। सेंसेक्स 502 अंकों की बढ़त के साथ 66,061 पर और निफ्टी 151 अंक चढ़कर 19,564 पर बंद हुआ। दुनिया के बाजारों में मजबूती के बीच घरेलू बाजार की उछाल में TCS, HCL Tech और विप्रो जैसे आईटी शेयरों का बड़ा योगदान रहा। इन शेयरों में 3-5% तक उछाल देखने को मिला। अभी बड़ा दाव लगा रहे हैं निवेशक। LKP सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड S. रंगनाथन ने कहा कि निवेशक आईटी शेयरों पर बड़ा दाव लगा रहे हैं। वे जानते हैं कि आईटी कंपनियों का मार्जिन स्थिर है और वे नई पीढ़ी के बिजनेस अवसरों पर फोकस कर रही है। जुलाई के बाद फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक सकता है, ये पॉजिटिव संकेत हो सकता है शेयर मार्केट के लिए। बाजार में तेजी के पीछे के क्या कारण है, आइए जानते हैं। जून में अमेरिका में महंगाई दर सिर्फ 0.1% बढ़ी, ये अगस्त 2020 के बाद सबसे कम है। इससे दुनिया भर के बाजार चढ़े। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में शुक्रवार को 5,346.14 करोड़ रुपए लगाए। डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर इंडेक्स 15 माह के निचले स्तर पर 99.57 पर आ गया। जून तिमाही में देश की टॉप 50 कंपनियों की आय 25% तक बढ़ने का अनुमान है। 5.13% तक चढ़े आईटी शेयर। TCS 5.13%, टेक महिंद्रा 4.51%, इंफोसिस 4.40%, आईटी इंडेक्स 4.30%, टेक इंडेक्स 3.74% तक चढ़ा है। पहली तिमाही के कॉरपोरेट नतीजों की अच्छी शुरुआत का असर देखने को मिला है शेयर मार्केट में। इसी तरह की शेयर मार्केट से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।